हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश सिंधी किड्स चैनल। आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्रिसमस रिलेटेड वर्ड्स, तो चलो जानते हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रिसमस क्या होता है। क्रिसमस मतलब होता है हिंदी में बड़ा दिन, और मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस मीन्स होता है हिंदी में क्रिसमस की बधाई। चलो और जानते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में क्रिसमस वृक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिसमस ट्री। चलो अब जानते हैं क्रिसमस ट्री में जो जो डेकोरेट करती हैं वो सब सामानों के नाम भी। इसे बोलते हैं हिंदी में चमकी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टिनसेल। इसे बोलते हैं हिंदी में कैंडी की बेत या टॉफी की छड़ी। दोनों में से हिंदी में जो भी नाम बोल रहे हैं वो सही है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैंडी कैंस। क्या बोलते हैं? कैंडी कैंस, और एक है तो कैंडी कैन। चलो और जानते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में घंटी और इंग्लिश में बोलते हैं बेल्स। इसे बोलते हैं हिंदी में तारा और इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। इसे बोलते हैं हिंदी में सदाबहार झाड़ी और इंग्लिश में बोलते हैं होली। इसे बोलते हैं हिंदी में धुआं कस और इंग्लिश में बोलते हैं चिमनी, जिसमें सेंटा क्लॉस हार देने जाते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं इसके अंदर से। ओके, चलो और जानते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिसमस की गहना और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट, और इसे क्रिसमस बबल के नाम से भी जाना जाता है। सेंटा का बोरी, जिसमें ढेर सारी गिफ्ट रहते हैं, उपहार रहते हैं, तो ये बोरी को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो बोरी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटा सेक। क्या बोलते हैं? सेंटा सेक। वेरी गुड। चलो और जानते हैं, क्रिसमस गीत को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिसमस कैरोल्स या क्रिसमस कैरोल। ये सेंटा क्लॉस के साथ रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसे बोलते हैं हिंदी में शरारती बोना और इंग्लिश में बोलते हैं एल्फ। ये एक पेय है जिसे फेस्टिवल सीजन में बनाया जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग नाग। इसे बोलते हैं हिंदी में टोपी और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटा हैट। इसे बोलते हैं हिंदी में बेपहियों की गाड़ी और इंग्लिश में बोलते हैं स्ले। इसे बोलते हैं हिंदी में मोजा और इंग्लिश में स्टॉकिंग। इसे बोलते हैं हिंदी में पुष्प चक्र और इंग्लिश में बोलते हैं रीत। इसे बोलते हैं हिंदी में फरिश्ता और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंजल। क्या बोलते हैं? एंजल। वेरी गुड। चलो और जानते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिसमस कार्ड और इंग्लिश में भी बोलते हैं क्रिसमस कार्ड। इसे बोलते हैं हिंदी में क्रिसमस केक और इसे इंग्लिश में भी क्रिसमस केक बोलते हैं या फिर केक। क्रिसमस के फटाके को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिसमस क्रैक। इसे बोलते हैं हिंदी में लपेटने वाला कागज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रैपिंग पेपर। इसे बोलते हैं हिंदी में बारह सिंगा या एक प्रकार का हिरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेनडियर। इसे बोलते हैं हिंदी में बेर का हलवा और इंग्लिश में बोलते हैं प्लम पुडिंग। इसे बोलते हैं हिंदी में जिंजर ब्रेड घर और इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर ब्रेड हाउस। चलो और जानते हैं, ड्रम बजाने वाला छोटा लड़का को बोलते हैं इंग्लिश में लिटिल ड्रमर बॉय। इसे बोलते हैं अदरक पड़ी मीठी बिस्कुट या अदरक पड़ी मीठी टिक्कियां। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में जिंजर ब्रेड, और इसे जिंजर ब्रेड कुकी भी बोलते हैं। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? ओके, वेरी गुड। चलो और जानते हैं, सजावट को बोलते हैं इंग्लिश में डेकोरेशन। सजावट करना को बोलते हैं इंग्लिश में डेकोरेट। आप सबको समझ में आ गई सजावट को क्या बोलते हैं और सजावट करना को? आ गई। ओके, वेरी गुड। चलो और जानते हैं, मोमबत्ती को बोलते हैं इंग्लिश में कैंडल।
मोमबत्ती की रोशनी में इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैंडल लाइट। चलो और जानते हैं, 24 दिसंबर की शाम को बोलते हैं इंग्लिश में क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मतलब होता है इवनिंग, ओके। तो इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ईव। तो ये क्या हुआ, क्रिसमस ईव। और ये कब मनाए जाते हैं, 24 दिसंबर की शाम को, बड़े दिन की पूर्व संध्या। ये लाइट को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रिंग लाइट्स। जिस जगह पर हम आग जलाते हैं उसे बोलते हैं हिंदी में अंगीठी और इंग्लिश में बोलते हैं फायरप्लेस। उपहार को बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट या गिफ्ट। बधाई या क्रिसमस कार्ड पर का नमस्कार को बोलते हैं इंग्लिश में सीजन ग्रीटिंग। खनखनाहट को बोलते हैं इंग्लिश में जिंगल। गीत की घंटी को बोलते हैं इंग्लिश में जिंगल बेल्स। इन्हें बोलेंगे हिंदी में क्रिसमस का बाबा और इंग्लिश में बोलेंगे सेंटा क्लॉस। आई होप कि आप सबको क्रिसमस रिलेटेड वर्ड्स जान के अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंग्लिश हिंदी किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो सब भी जान पाए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।